आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों को आने वाले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि नए साल में हरियाणा प्रदेश ने देश के हर घर में खुशहाली आए, हर घर में सुख और शांति रहे। आने वाले नए साल में जिस मौजूदा सरकार संबंध चाहे वो केंद्र की है, प्रदेश की है, लोग दुखी है, परेशान है, परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि नए साल में ये लोग अवकाश पे जाएं और नई सरकार प्रदेश और देश में बने। प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकल पार्टी सत्ता में आए, देश के अंदर इंडिया का गठबंधन करा, नया कदम होगा 2024। किस तरह की चुनौती रहेगी विपक्ष या फिर जो उस तरह की सत्ता में ले पाएगी दोबारा से? अभी आप उचाणा में आओ, आज हमने महिला सम्मेलन रखा है। जो लोग बड़ी बड़ी डींगे भरते हैं कि हम लोग सत्ता में आए, आप आ करके देखना कि आज हरियाणा की महिलाएं कितना बड़ा फैसला लेकर के आई। सर उचाणा में आप महिला सम्मेलन करते हैं, कितने लोग ये अपनी प्रदेश स्तरीय मीटिंगों में बुलाते हैं, कितने लोगों की भीड़ इकट्ठा करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा आज प्रदेश की महिलाएं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को नई ताकत देने के लिए आई। सर उचाणा में आप महिला सम्मेलन करें, उचाणा वही है जहां प्रिंसिपल का मामला विधानसभा में जाता है। मैंने उस इश्यू के ऊपर मांग करी थी और मैंने ही सर्वसम्मत एक फैसला करवाया था विधानसभा में, किसकी जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से हो जाए। भाजपा और कांग्रेस उस पर फिर मिली, पहले हाँ भरी गई और फिर अगले दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने याद करके शोर मचाया कि नहीं, विधानसभा का मामला विधानसभा में निपटा जाए। और ये कह करके कि इनको डर था, दोनों को, दुष्यंत को भी इस बात का डर था, सरकार को भी इस बात का डर था कि तुम्हारे आरोप गलत साबित हो सकते, वो भी उस टीचर की जान बचाना चाहते। और उसी तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल के अंदर उसके खिलाफ पहले मुकदमा दर्ज हुआ था और वापिस हुआ था, तो उसमें हुड्डा का नाम भी जुड़ता है कि हुड्डा ने भी ऐसे लोगों की मदद करी है जो बहन बेटियों की सुरक्षा करने के बजाय उनकी इज्जत की तरफ देखते हैं। और मैंने जब ये बात उठाई, सर्वसम्मत फैसला हो गया, भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर फिर उस फैसले को बदला, विधानसभा की एक दिन में ही अपमानित करने का काम किया। तो आप केवल और केवल महिलाओं को सुरक्षा अगर कोई प्रदान करेगा, महिलाओं को अगर कोई आगे आने वाले समय में ताकत देगा राजनीतिक तौर पे, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। सर SYL महिलाओं का विश्वास भी आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। सर एक नया साथी मिल गया सुनील कुमार बामणी, ये भी जीन में पूरे सामाजिक रहे हैं, नए मजबूत मिलेगी नए लोगों, बहुत सारे साथी ऐसे और आएंगे। मान के चलो हमारी पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, हमारे पे विश्वास बढ़ता जा रहा है कि हम जो कहते हैं उस बात को आगे बढ़ाते हैं, उसको पूरा करते हैं। हम लोगों की तरह ना तो किसी के साथ विश्वासघात करते हैं ना झूठ की राय, नफा और नुकसान नहीं देते, हम केवल सच्चाई पे चल करके आगे बढ़ेंगे और प्रदेश के लोगों का विश्वास हासिल। सर SYL का मुद्दा बड़ा पुराना हो चुका है, अभी भी बैठकों का पुराना नहीं हो सकता। SYL की नहर बनेगी ना, BJP बनाएगी ना कांग्रेस बनाएगी, क्योंकि ये दोनों तो देश की राजनीति करते हैं, उनको पंजाब के अंदर भी अपना वोट चाहिए, हमें किसी चीज की भूख नहीं है। SYL के लिए पहले लड़ाई चौधरी देवीलाल ने लड़ी, फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने लड़ी, फिर मैंने लड़ी, और अब जब हमारा राज बनेगा, जो हमारी नहर का पानी नहीं दे रहे, जिन्होंने पानी बंद कर रखा है उनके रास्ते बंद करेंगे, दिल्ली को पानी देंगे नहीं, और हम गले में घेरे में अंगूठा देकर पानी लेने का काम करेंगे। पानी सरकार